हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये मेरा जो मेकअप लुक है, ये बेसिकली एक दिवाली मेकअप ट्यूटोरियल है जो कि काफ़ी सिंपल और सटल लुक है। और अगर आपको जानना है ये लुक मैंने कैसे क्रिएट करा, तो आइए मेरे साथ मेरे वीडियो में। तो मेरी जो स्किन है उसे मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर रखा है। मैंने ये एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है जो यहीं की कंपनी से, और काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र है एंड विंटर्स के लिए बहुत परफेक्ट है। तो ये मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ करा है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना ये एक ये आई थिंक इट इज़ मोर फॉर ग्लोइंग। और दिवाली पे आई थिंक इतनी सारी लाइट्स होंगी तो हमें थोड़ा सा अपना चेहरा ग्लोई करना अच्छा लगेगा। तो मैं यूज़ करूँगी ये एक सेरम बोल सकते हैं, जिसमें गोल्डन बॉल्स हैं। आई थिंक इंडिया में आपको कितने सारे गोल्ड कैरेट वाले ऑयल मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं अपने चेहरे पर लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली मेरे चेहरे पे एक हल्की सी शीन और अच्छा सा ग्लो आ गया है, हेल्दी ग्लो आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फाउंडेशन की तरफ। और ऑल टाइम फेवरेट फिटमी का ये फाउंडेशन, जो कि मेरा इसमें शेड है 120, और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। आई थिंक मेरे पास फाउंडेशन है नहीं, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और आई स्विच बिटवीन फेसेस कैनेडा एंड ये मैंने शायद 3 साल पहले डिस्कवर करा था, और उसके बाद से आई नेवर वेंट बैक ऑन एनी फाउंडेशन एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर माई स्किन। फाउंडेशन वो है जो कि पूरा हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने ब्राउज पर, और फाउंडेशन को हम थोड़ा सा फेस पे सेट होने का टाइम देंगे। तो ब्राउज पे मैं यूज़ करूँगी आई एम लविंग दिस मिनी सो का पैलेट। और आई थिंक ये मैंने काफ़ी समय पहले लिया था, बट तब से मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं करा। एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड टू यूज़ दीज लाइक दीज पाउडर प्रोडक्ट्स फॉर माई ब्राउज। उससे पहले आपको पता था मैं नायका की वो पेंसिल यूज़ करती थी, लेकिन आई थिंक आई एम इन लव विथ दिस ब्राउ प्रोडक्ट्स नाउ, दिस पाउडर प्रोडक्ट्स नाउ। और मैं जो इसका हल्का वाला शेड है उसको अपनी फ्रंट ब्राउ के लिए यूज़ करूँगी, और जो डार्क शेड है उसको पीछे की तरफ यूज़ करूँगी। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए आप। तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके अपनी ब्राउज फिल करती हूँ। और फिर एक स्पूली ब्रश की मदद से इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और देखूँगी कहाँ पे मुझे और लगाना है प्रोडक्ट। आते हैं हम अपने जो कंसीलर, अपनी जो ब्राउज हैं उन्हें कंसील करने पर। और आई इन्वेंटेड डिस्कवर्ड दिस वेरी न्यू प्रोडक्ट जो कि यहीं से है, और ये अल्टेरा नेचुरल कॉस्मेटिक से है। और बेसिकली ये एक पेंसिल फॉर्म में कंसीलर है जो कि बेस्ट है आई थिंक हमारी नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए, नोज़ हाइलाइटिंग के लिए, और जो हमारी ब्राउज हैं उन्हें कंसील करने के लिए। बट आई सर्च्ड, और इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पेंसिल के फॉर्म में मिल सकते हैं। मैंने लिख रखा था बट मैं अभी उनका नाम भूल गई हूँ। तो आप अगर ट्राई करना चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक पेंसिल से जो कंसीलिंग है वो मेरी बहुत ज़्यादा इजी हो गई है एंड इट इज़ वेरी क्विक। यूजुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, बट अब मैं बस इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ, और एक ये फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आते हैं हम अपनी दूसरे प्रोडक्ट दूसरे स्टेप पर, जो कि है अपनी आई मेकअप पर। और उसके लिए मैं सबसे पहले अपने जो आईज़ हैं उनको प्राइम करूँगी। जो हमारा जो आई शेडो है वो हमारी आंखों पे अच्छे से बैठता है। अगर हम अपनी आंखों को अच्छे से प्राइम और अच्छे से कंसील करके उस पर पाउडर लगाएं, तो वो आंखों पे जो हमारा आई शेडो है वो चमक के अच्छे से आता है। तो ये स्टेप अवॉइड मत करिए अगर आप चाहते हैं कि आपका आई मेकअप अच्छे से बैठे। ये एक बोन कलर का मेरा शेडो है। आप अपना फेस पाउडर, जो कि फेस पाउडर है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे बस ये जो हमने कंसील करा है उसको हम पैक कर देंगे ताकि क्रीजिंग ना हो।
उसके बाद आते हैं हम अपने ट्रांजिशन के लिए. ट्रांजिशन मतलब जो ये वाला एरिया होता है, अपनी आई को एक डेफिनेशन देने के लिए. मैं ये वाला जो डार्क ब्राउन कलर है, ये पैलेट है, आई थिंक मैंने इंडिया से ही ऐसे SFR की पैलेट है ये. इसके शेड्स मुझे अच्छे लगते हैं और ये वाला जो कलर है उसको लूंगी अपने ब्रश पे. और मैं ब्रश बता देती हूँ आपको, एक फ्लैट टिप का ब्रश है जो कि हमारे ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छे से काम आता है क्रीज पे. तो लेकर एक्सेस को डस्ट ऑफ करके इसको अपने आईज पे लगा लूंगी. और हमेशा जो आपका ब्रश है उसको यहाँ से पकड़िए ताकि आपका मूवमेंट जो आप करें ब्रश का उसमें आसानी हो. क्योंकि अगर हम यहाँ पे से ब्रश पकड़ते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारा मूवमेंट है वो धीमा हो जाता है और हार्श आपकी ब्लेंडिंग होती है. तो हमेशा ऐसे करके अपना ब्रश को अपने ब्लेंड करिए ताकि काफ़ी एफर्टलेसली ब्लेंड हो. तो आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग मैंने कर ली है. उसके बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है ये शेड. और ये एक मेरी आई शेडो पैलेट और ये यहीं की अगेन कोई ब्रांड से है. एंड आई हेट दिस फैक्ट बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेफिनेटली मेबिलिन ये सब अवेलेबल है, बट मेरे को अगर उससे बेहतर कोई और ब्रांड मिलता है तो मैं वो प्रोडक्ट ले लेती हूँ. तो आप डेफिनेटली इंडिया में गोल्डन शेड कहीं कितनी पैलेट्स में मिल जाएगा. तो आसानी से बस एक गोल्डन शेड मैं इस पैलेट में से लूँगी और उसको अगेन अपनी फिंगर पे लूँगी. मुझे आई थिंक पिगमेंटेशन फिंगर से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो बस उसको अपनी पूरी लिड पर लगा लूँगी. तो देख सकते हैं मैंने अपनी लिड को अच्छे से पूरा कवर कर लिया है. उसके बाद एक बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल क्लीन फ्लफी ब्रश लेकर मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि हार्श एजेस ना दिखें हमें. तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और आप पिगमेंटेशन अपनी अपने आई शेडो के अराउंड अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं. आई थिंक मुझे इतना इनफ रखना था. उसके बाद आते हैं मेरी वेट एंड वाइट की पैलेट पर. और अगर आपने अभी तक खरीदी नहीं है तो प्लीज़ जाके खरीदिए, बिकॉज आई थिंक दीज पैलेट्स आर वेरी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छे, लाइक पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक मिल जाता है. मेरा का मैं आपको शेड बता चुकी हूँ, यह कम्फर्ट जोन. बट आई थिंक इसमें एक रोजे करके आती है जो बहुत अच्छी है, बट वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती है. तो इस पैलेट में से मैं लूँगी ये वाला शेड. आप देख सकते हैं बड़ा डार्क सा ब्राउनिश शेड है और इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से इस शेड को अपनी आईलेट पर लगा लूँगी, बिकॉज थोड़ा ड्रामा तो बनता है. अनदर मिस्टेक, आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने अपनी जो अंडर आइज है वो ऑलरेडी फाउंडेशन लगा लिया है. तो काफ़ी बार जो पैलेट है उनसे फॉल आउट हो जाता है तो आपका अंडर आइज है उस पर वो गिर जाएगा. तो चिंता मत करिए, आप यूजली आई अपना जो आई मेकअप है उसको पहले कर सकते हैं. तभी आई थिंक मैं ब्रश को ना यूज़ करके मैं अपनी लिड को अगेन यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फाउंडेशन ख़राब हो जाए. तो यहाँ पे मैं बस इसको ऐसे लगा लूँगी. तो बस उसको एक अच्छे से फ्लफी ब्रश, क्लीन ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी. आई डोंट नो, ये कैमरा पे मुझे हल्का सा थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लेकिन रियल में नहीं हो रहा है वो. तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द लाइटिंग. तो बस मैं अपनी दूसरी आंख पर भी ये चीज़ सेम करके आती हूँ. सो आई एम डन विद बोथ माई आईज. और उसके बाद में जो ये फ्लैट शेड है जिससे मैंने अपनी क्रीज डिफाइन करी थी, उसी ब्रश को लेकर बस ये जो एजेस हैं उन्हें फिर से ब्लेंड कर दूंगी ताकि, और इस पर हमने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है, ताकि जो हमारे एजेस हैं वो ज़्यादा डार्क ना लगे. मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ की ये पेंसिल जो कि है शेड जेट ब्लैक में, और इससे मैं बस अपनी जो अपनी अपर लैश लाइन है उसको एक आईलाइनर बनाने की कोशिश करूँगी. और उसके बाद हम इसको स्मज कर देंगे. और स्मजिंग के लिए मैंने एक चीज़ डिस्कवर करी है अगेन, कि जो हमारी ये स्पॉन्ज टिप्स होती हैं जो कि हमारे आई शेडोज के साथ आती हैं, हमें हमेशा हम इसे कभी यूज़ नहीं करते हैं, बट आई थिंक इट इज़ वेरी अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू ब्लेंडिंग योर काजल वगैरह. और अगर आपके पास शेडर ब्रश नहीं है, और अगर आपके पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है शेडर ब्रश, तो इसकी मदद से आप वैसे ब्लेंड करते हैं. और अगर आपके पास ये नहीं है तो आई थिंक आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो आज मैं इसको लूँगी और जो हमारी अपर लैश लाइन है उसको अच्छे से स्मज कर दूँगी.
तो मैंने दोनों अपनी जो अपर लैश लाइन है उस पर ये जो अच्छे से काजल लगा के स्मच कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम अपनी लोअर लैश लाइन पर, और मुझे काजल यूज करने का मन नहीं कर रहा है लोअर लैश लाइन पर, तो मैं बस एक ब्राउन काजल, अगेन काजल ही है लेकिन ब्राउन है, थोड़ा सा हल्का शेड है, इसको बस जो मेरी ट्रिक है हाफ आई पर लाऊंगी। वी क्रिएट करने के बाद मैं बस एक ये जो डार्क शेड है मेरा ये वेट एंड वाइल्ड की पैलेट से उसको बस अच्छे से स्मोक आउट कर दूंगी। लास्ट स्टेप हमारी आईज के लिए जो कि है एक ये पेंसिल जो कि है वाइट पेंसिल, और ये हमारी आईज के अगर हम इन वॉटर लाइन पे लगाते हैं तो हमारी आईज काफ़ी बड़ी लगती हैं, एंड आई थिंक आई लव टू यूज़ दिस स्टेप्स डेफिनेटली जब मैं लेंस लगाती हूँ, बिकॉज उससे एक अलग ही लुक आता है। तो इसको बस अपनी वॉटर लाइन पर लगा लूँगी मैं। तो यहाँ हो गया मेरा पूरा आई लुक कम्प्लीट। उसके बाद मैं एक बड़े से फ्लफी ब्रश की मदद से बस जो एक्सेस फॉल आउट वगैरह है उसको ब्रश अप कर दूंगी। कंसीलर के लिए आज मेरे पास एक नया प्रोडक्ट है जो कि है ये एक आर्ट डेको, आई थिंक ये कंपनी का नाम है, और इसका कैमोफ्लैश क्रीम कंसीलर है, और ये एक ऐसी पैकिंग में आता है, एंड आई थिंक ये जर्मनी का आई गेस सबसे अच्छा ब्रांड है। एंड इसका जो ये इसका जो अगर मैं ये पैन कहूँ ये काफ़ी छोटा है, एंड आई थिंक इट वॉज क्वाइट कॉस्टली, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर करेक्टिंग योर डार्कनेस अंडर आइज और एवरीथिंग। इसको मैंने अपनी जो फिंगर्स हैं उन्हें क्लीन कर लिया है। आई नो इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक टू गो इनसाइड द पैन विद अ फिंगर, बट आई थिंक मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उससे मैं डेप्थ में जा पाती हूँ। तो मैं इसको हल्का सा मैं इसको आपके साथ ही पहली बार टेस्ट कर रही हूँ, एंड काफ़ी क्रीमी है, एंड इसको बस मैं अपने अंडर आइज पर लगा लूँगी। And now I will be taking my this brush जो कि कंसीलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और इससे बस अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो मैंने जो अपना कंसीलर है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, एंड ऑनेस्टली आई हैव मिक्सड रिव्यूज़ अबाउट दिस कंसीलर, और आई गेस इट इज़ गुड, डेफिनेटली इट वर्क, इट इंस्टेंटली ब्राइटेंड अप माई आईज बट अंडर आइज, बट आई थिंक इट इज़ मोर गुड फॉर पीपल जिनकी जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा हाई होती है, एंड आई थिंक आई डोंट हैव दैट मच ऑफ डार्क अंडर आइज, सो आई कैन ईजली गेट अवे विथ सम नॉर्मल कंसीलर, बट आई थिंक द वंस जिनकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और जिनकी काफ़ी ज़्यादा डार्क आइज हैं उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। सो आई थिंक इट वर्कड फॉर मी, बट आई कैन डेफिनेटली नॉर्मल कंसीलर से भी मैं काम चला सकती हूँ। बट चेहरे पर कंसीलर लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी ये बनाना पाउडर जो कि है यही की कोई कंपनी से, बट आई थिंक द सेम यू कैन गेट इट इन क्लेयर, लाइक मिस क्लेयर का सेम पाउडर आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं अपना फुल फेस कभी भी पाउडर नहीं करती हूँ, मतलब जो एक्सेस प्रोडक्ट बच जाता है वो करती हूँ, बाकी आई जस्ट डू माई टी जोन। और अंडर आइज मैं अपने एक छोटे फ्लफी ब्रश की मदद से उनको अच्छे से पाउडर करूँगी ताकि कोई क्रीजिंग ना हो हमारी अंडर आइज में। आते हैं कॉन्टोरिंग पर, और उसके लिए मैं अगेन यूज़ करूँगी अपनी ये स्लीकी पैलेट जिसमें है ये डार्क शेड, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये जो पाउडर है वो पिगमेंटेड है। उसके बाद जो हमारा बड़ा वाला फ्लफी ब्रश है बस उसको हम लेके उसे अच्छे से फाइनल ब्लेंड कर देंगे। और एक छोटे ब्रश की मदद से मैं अपने जो नोज कॉन्टोर है उसको बाहर की साइड ब्लेंड करूंगी। उसके बाद बस एक बड़ा फ्लफी ब्रश लेके मैं सब चीजों को ब्लेंड कर लूंगी। आते हैं हम अपने ब्लश पर, और मैं एक ड्यूई सा लुक चाह रही थी तो आई विल बी यूजिंग अ क्रीम ब्लश ऑन स्टिक, और काफ़ी अच्छी होती है ये, हमारा जो मेकअप है उसको ड्यूई बनाती है और पाउडर पाउडर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए ये अमेजिंग है।
उसके बाद मैं जो अपनी ब्राउ बोन है उसे ये वाले कलर की मदद से, वाइट कलर की मदद से, और आप कोई चाहें तो अपना हाइलाइटर ले सकते हैं, उसकी मदद से आप इसको हाइलाइट कर सकते हैं। और उसी शेड की मदद से मैं जो अपना इनर कॉर्नर है उसे हाइलाइट करूँगी। अगेन आँखें बड़ी बड़ी लगें। तो आते हैं हाइलाइटर पर, और हाइलाइटर के यूज़ करने से पहले मैंने यूज़ करी है एक स्टिक जो कि ट्रांसपेरेंट बेसिकली स्टिक होती है, और ये हेल्प करती है हमारा जो कि हाइलाइटर है उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट देने के लिए, उसे स्ट्रॉन्गली आपके चेहरे पर बैठाने के लिए। बट आप उस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैंने यूज़ करी है। बाकी अगेन मैं लूँगी अपना पैक का हाइलाइटर, और थिंक मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है, और इसे हम अपने चेहरे के हाई पॉइंट्स पे लगा लेंगे। और आते हैं फाइनली लास्ट स्टेप पर जो कि है हमारे लिप्स, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले ये एक न्यू लिप लाइनर, और उससे अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी। लिप्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ बिकॉज आई थिंक मुझे जैसे फेस्टिविटीज़ हैं तो थोड़ा सा रेडिश टोन लाना था, तो मैं यूज़ करूँगी अपना ये जो कि यहाँ का ही कंपनी का एसेंस का, आई थिंक एसेंस इंडिया में भी है बट आई डोंट नो इफ दिस प्रोडक्ट यू कैन गेट देयर, बट ये जो एक रेडिश ब्राउन सा शेड है इसको तो मैंने लगा लिया है ये वाला लिप शेड, और अभी मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ अगेन, और मुझे ये कलर नहीं चाहिए, तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना एक न्यूड शेड, आप कोई भी न्यूड शेड ले सकते हैं, और उसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। बस अब हम अपने मेकअप को करेंगे फिक्स। और मैं अगेन ये स्टेप भूलने वाली थी। आते हैं हम अपनी मस्कारा पर, और ये पता नहीं मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो बस इस मस्कारा को हम लगा लेंगे। तो हो क्या है मेरा पूरा मेकअप लुक रेडी, और अब मैं अपनी ज्वेलरी पहन के आती हूँ और दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। पहने हैं ये चांद बाली जो कि मैंने लिए थे दिल्ली से, और एक बिंदी लगाई है छोटी सी, आई थिंक ये नग वाली बिंदी है, और बाल अपने बांध कर, और ये एक अच्छा प्यारा सा मेरा दुपट्टा है जो कि एंड आई एम ऑल सेट फॉर यू कैन गो फॉर अ कार्ड पार्टी विद दिस लुक। आप मेन दिवाली पर भी इसको स्पॉट कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस और सटल सा लुक। एंड बाकी भाई दूज एंड जिसकी मैंने आपको बताया एंडलेस ओकेजन्स हैं, यू कैन वेयर इट फॉर दैट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल डाउन देयर, उससे आपको हमेशा पता चलेगा जब भी मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं। एंड यही था आज का वीडियो, आई होप यू लाइक इट, बाय।